नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। मैं हूं आपके साथ रश्मि पंवार महर। रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। हल्द्वानी में आज से बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक, तैयारियां पूरी। सीएम धामी से कनाडा के उच्चायुक्त कैमरन मैके ने की मुलाकात, विकास को लेकर जताई प्रतिबद्धता। कुमाऊं में पुलिस के बंपर तबादले, 100 दरोगा और 546 कांस्टेबल का ट्रांसफर। संतों ने की आश्रम वेब सीरीज बैन करने की मांग, साध्वी निरंजन ज्योति का मिला साथ। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर की हाई लैंडिंग की होगी जांच, सचिव नागरिक उड्डयन ने किया आदेश। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में दूसरी बार धामी सरकार बनने के बाद पहली बार हल्द्वानी में आज भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने जा रही है। बैठक में संगठन के आगामी कार्यक्रमों, संगठन की रूपरेखा को लेकर विस्तार से चर्चा होगी। आज शाम 4 बजे से 5 बजे तक प्रदेश पदाधिकारी आगमन एवं रजिस्ट्रेशन होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कनाडा के उच्चायुक्त कैमरन मैके ने मुख्यमंत्री आवास में भेंट की। इस मौके पर प्रदेश के विकास में परस्पर सहयोग के लिए दोनों नेताओं ने प्रतिबद्धता जताई। कुमाऊं मंडल में इस बार बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों का तबादला किया गया है। 100 सब इंस्पेक्टर के साथ ही 546 कांस्टेबलों का स्थानांतरण किया गया है। मैदानी जनपद में तैनात 274 कांस्टेबल को पहाड़ी जनपदों में भेजा गया है, जबकि 272 कांस्टेबल को पहाड़ से मैदान ट्रांसफर किया गया है। हरिद्वार के साधु संतों ने आश्रम वेब सीरीज को बैन करने की मांग की है। संतों का कहना है कि ऐसी वेब सीरीज से हिंदू धर्म को बदनाम किया जा रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने भी संतों की मांग का समर्थन किया है। केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर की हाई लैंडिंग मामले में वायरल वीडियो का डीजीसीए ने संज्ञान लेते हुए 2 अलग अलग एडवाइजरी जारी की है। डीजीसीए ने हाई लैंडिंग पर बेहद चिंता व्यक्त की है। सचिव पर्यटन दिलीप जावलकर ने कहा है कि इस वीडियो को बेहद गंभीरता से लिया गया है, हालांकि कोई हादसा नहीं हुआ, यह राहत की बात है। हरिद्वार में रेलवे स्टेशन के पास जाम खुलवा रहे ऑटो चालक को मुजफ्फरनगर के युवकों ने पीट दिया। ऑटो चालक से सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों ने युवकों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष अकील अहमद ने विधानसभा चुनाव के दौरान उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा उठाया था, जिस वजह से कांग्रेस ने हार का ठीकरा फोड़ते हुए उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब उन्होंने बीजेपी पर देश का माहौल खराब करने का आरोप मढ़ा है। साथ ही उन्होंने उलेमाओं से टीवी डिबेट में न जाने की अपील की है। काशीपुर में पुलिस ने 4 मोबाइल झपटमारों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से पुलिस ने चोरी के 14 मोबाइल फोन, चाकू और 2 तमंचा कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस ने चारों को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया है। पुलिस इनकी लंबे समय से तलाश में थी। विश्व की टॉप 5 एग्रो कंपनी में से एक यूपीएल और कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर के बीच कई बिंदुओं पर करार हुआ है। इसके तहत बायो कंट्रोल को लेकर वैज्ञानिकों के शोधों को किसानों तक पहुंचाना, अनुसंधान अनुबंध, छात्रों को फेलोशिप सहित कई बिंदुओं पर करार हुआ है। पहाड़ों पर सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। मंगलवार सुबह पिथौरागढ़ में एक और सड़क हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिसमें से 2 घायलों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि इग्यार देवी के समीप पिकअप वाहन डिवाइडर से टकराकर रोड पर पलट गया, जिसमें सवार यात्री छिटक कर गहरी खाई में जा गिरे। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और SDRF ने रेस्क्यू कर घायलों को खाई से बाहर निकाला और 108 वाहन की मदद से हॉस्पिटल भेजा। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।